है ये बताया जा रहा है। बरेली में सिपाही के बर्थडे पार्टी के दौरान कैंट थाने में तैनात दरोगा गोली लगने से घायल हो गया है। दरोगा के साथ ही पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुट गए। बता दें कि फरुखाबाद निवासी संजय सिंह बरेली के कैंट थाने में उप निरीक्षक के पद पर तैनात है। दरोगा संजय सिंह अपने साथी सिपाही के बर्थडे में शामिल होने गए थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। मामले को लेकर एसएसपी शैलेंद्र कुमार पांडे का कहना है कि निजी पार्टी के दौरान दरोगा गोली लगने से घायल हुआ है, उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है। निजी पार्टी के दौरान कौन लोग शामिल हुए थे, क्या वजह थी, ये सब खंगाला जा रहा है। जांच के बाद दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और थाना कैंट में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर संजय सिंह को गोली लगी है। गोली संदिग्ध परिस्थितियों में लगी है। अभी प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि किसी प्राइवेट फंक्शन में ये थे और उसमें इनको गोली लगी। इलाज के लिए इनको हॉस्पिटल भेजा गया है। प्रथम दृष्टया डॉक्टरों ने जो बताया है उसमें इनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। घटना किन कारणों से किन परिस्थितियों में उस प्राइवेट पार्टी में हुई है, इसके बारे में छानबीन की जा रही है। और वर्तमान में जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। खैर, देखने वाली बात होगी कि किसी आम इंसान की ओर से फायरिंग किए जाने पर तुरंत उसके खिलाफ मामला दर्ज करने वाली पुलिस अपने कर्मचारियों के खिलाफ कब और क्या कार्रवाई करेगी। भारत 9 के लिए बरेली से सन्नी गोस्वामी की रिपोर्ट।